हाँ आपका इनाम लेती है मैम को भी नहीं, राखी जी बोलती है जैसे आप मुझे प्रेप करते हो वैसा संभावना जी को भी करिए। राखी जी बोलते हैं कि जैसे आप मेरे फोटो निकालते हो वैसा संभावना जी के भी, संभावना जी को पैक कीजिए। आपने उनका सॉन्ग देखा ड्रीम में मेरी एंट्री, कैसा लगा आपको? मैंने उसको डाला भी था इंस्टाग्राम। हाँ मैम, मैंने उसको बोला तुमने मुझे दिया था ये सॉन्ग, अगर देखो मेरी थोड़ा सा मैं बेटर उस पे सेट होती ना तो मैं उसका गाना खुद बनाते डालती रील्स पे, रील्स में खुद बनाते डालती। लेकिन फिर भी मैंने राखी से माफी मांगी इस बात के लिए, मैं खुद नहीं बना पाई, लेकिन मैंने उसका सॉन्ग डाला था और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि ऐसे गाने ना और भी राखी को मिलने चाहिए। यस मैम, 21 मिलियन हो गया, 21 मिलियन हो गया सॉन्ग पे, 21 मिलियन हो गया सॉन्ग पे, और हो जाएगा। राखी को ना लोग बहुत पसंद करते हैं, एक साइड जो एंटरटेनमेंट साइड है ना वो लोग बहुत पसंद करते हैं। हम लोगों को राखी बहुत पसंद है, बस वो जो मैं तो कहती हूं बस ये कंट्रोवर्सी से वो दूर रहे, एंटरटेनमेंट साइड वो भी साइड में हट रहा है उनका, बस वो साइड में ही हटे रहे, कोई उसको कंट्रोवर्सी में ना लाए, सीरियस नहीं रहे कंट्रोवर्सी, लोग ऐसे पसंद करते रहे, वैसे ही पसंद करते हैं। ये वाला ना बिग बॉस ने उसको नया जन्म दिया है, वो नई बच्ची पैदा हुई है, अब आप लोग उसको अच्छा वाला बड़ा करो। आपके अभी आपके कुछ प्रोजेक्ट आपका में? मेरा प्रोजेक्ट मेरे ब्लॉगिंग चैनल पे चल रहा है। हाँ मैम, यूट्यूब पे देखा है, देखा है। और बस लोगों को मैं भी कोशिश करती हूँ कि अपने ब्लॉग से थोड़ी सी खुशियाँ फैलाऊं। बाकी आते हैं एक आध बीच में सीरियस वगैरह आते हैं जो कि गुजरात में यहाँ वहाँ होता नहीं है, मैं नहीं करना चाहती, बट वी विल डू समथिंग नाइस। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम।